आरसीएम हम जैसे जानते हैं, जो आपको मोटे तौर पर परिचय है, पर मैं आज आपको आरसीएम की रूह में ले जाना चाहता हूं। इसके अंदर क्या है आपको, मैं इसके लिए थोड़ा सा मुझे इसकी शुरुआत के समय में ले जाना पड़ेगा। जून 2000 की बात है, और एक विचार ने मेरे मन में प्रवेश किया कि एक ऐसा अद्भुत कार्य है जिससे जीवन में मूल्यों की स्थापना की जा सके, और बहुत सारे लोगों को इसमें शामिल करके और एक अच्छा संगठन बना के, और भारत के अंदर जो अनेक समस्याएं जो व्याप्त है, उन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। प्रेम और भाईचारा से बहुत बड़ा समुदाय हम एकत्रित कर सकते हैं। तो ऐसा एक बहुत बेहतरीन ख्याल मन में आया, और उस ख्याल ने एक क्रांति घटित कर दी, कह सकते हैं, क्योंकि मुझे नए विचार बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। नए अच्छे अगर कोई विचार होते हैं तो मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं, और ये कृपा है ईश्वर की कि मुझे नए विचार, नए आइडिया जो है आते रहते हैं। इसीलिए तो ये मेरे लिए एक बहुत ही अद्भुत विचार था कि क्योंकि हम जीवन में जो देख रहे थे कि जीवन तो है, इंसान तो दिख रहा है, लेकिन इंसानियत नहीं दिख रही। परेशानियां, हम खुद अपनी परेशानियों को एकत्रित कर रहे हैं, हम परेशानियां कमा रहे हैं जैसे कुछ, क्योंकि मूल्य कहीं नहीं, मूल्यों पर रुचि नहीं है। तो ऐसा एक ख्याल आया और जून 2000 में आरसीएम की शुरुआत की। तो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आरसीएम की शुरुआत के पीछे कारण क्या है, हमको कारण और उद्देश्य ये किसी चीज का स्पष्ट पता होना चाहिए। अगर हम थोड़ा सा लाइनों के रूप में देखें, जिंदगी जीने का शानदार तरीका है आरसीएम। जिंदगी के वो सारे जो आनंद है ना, इसमें समाहित है। औरों का जीवन सजाने का सुयोग है आरसीएम। जब तक हम औरों का जीवन सजाने में नहीं लगेंगे, तब तक जीवन का सही रूप हमारे सामने आई नहीं। और ये आरसीएम में अद्भुत अद्भुत ये सुयोग कह सकते हैं, अद्भुत व्यवस्था है कि हम औरों का जीवन सजाने का कार्य कर सकते हैं। भावी पीढ़ी के लिए एक समाधान है आरसीएम। हम एक ऐसी रचना कर रहे हैं जो आने वाली पीढ़ी के लिए हम बहुत बढ़िया समाधान दे रहे हैं, ताकि उनको ऐसी मूल्यहीन जीवन में नहीं जीना पड़े। अपनी प्रतिभा को निखारने का अवसर है आरसीएम। जिसने जो भी प्रतिभा छिपी पड़ी है, उस प्रतिभा को निखारा जा सकता है, नहीं तो कोई काम का अवसर ही नहीं मिलता है, या हमको मिलता तो बहुत सीमित मिलता है, तो हमारी प्रतिभा यूं ही चली जाती। महिलाओं को पहचान दिलाने का स्थान है आरसीएम। हम सभी जानते हैं कि जो है महिलाएं भारत में किस तरह का जीवन जी रही है, तो उनको भी अपनी प्रतिभा को निखारने का, उनकी रचनात्मकता को बाहर लाने का एक बहुत ही बढ़िया स्थान कह सकते हैं आरसीएम। जीवन मूल्यों की वृद्धि का अनुष्ठान है आरसीएम। जीवन में मूल्य नहीं कमाए ना, तो सब कमाई बेकार। बार बार थोड़ा महसूस करना पड़ रहा है, महसूस होता है कि मुझे ये शुरू से थोड़ा सा चैलेंज रहा है, आज तक फेस कर रहा हूं, कि धन की कमाई में तो सबकी रुचि बढ़ जाती है, पर मूल्यों के प्रति रुचि लानी पड़ रही है। जबकि जीवन में धन कमाने का महत्व है 10% है, और 90% महत्व मूल्य कमाने का।
जीवन की उन्नति, जीवन की खुशियां, जीवन के सारे जो उद्देश्य है, ये सारे जीवन मूल्यों में। और सबसे बड़ी मजे की बात है, अगर हम जीवन में मूल्य कमा लेते हैं तो धन कमाना हमारे लिए बहुत सहज सरल हो जाता है। दूसरी बात है कि अगर जीवन में मूल्य कमाते हैं तो जितना भी धन कमाते हैं उसका हम प्रॉपर आनंद उपयोग ले पाते हैं। तो जीवन मूल्य बहुत जरूरी है, लाखों कहानियां बनाने की राह का निर्माण है। हम जीवन में सुनते हैं बहुत सारे काम करने वाले सफल व्यक्ति होते हैं, तो वो सफल खुद की कहानी तो बना लेते हैं, पर ये आरसीएम जो है एक कहानी बनाने का नहीं, ये लाखों कहानी, लाखों लोगों को एक बहुत ही विचित्र अद्भुत काम करके अपनी कहानियां बनाने की राह का निर्माण है आरसीएम, और नए भारत के निर्माण का अभियान है ये आरसीएम। तो इस तरह से एक नया भारत के निर्माण के लिए आरसीएम की रचना हुई है, और शुरू से ही एक जो जो उद्देश्य था, जो सपने थे, जो मन में बार बार ख्याल आते थे कि ये जो देश की दशा है ना, ये देखी नहीं जाती। मुझे जीवन में हमेशा एक रुचि रही है कि हम कैसे इस हिंदुस्तान की दशा को अच्छा करें, लोगों के जीवन में खुशियां लाना, ये मेरा मेन मकसद है। मेरी रुचि हमेशा उसमें रहती, मेरी कमाई वही है, मुझे उस कमाई में ज्यादा खुशी। तो हम प्राण गीत में एक एक शब्द, एक एक बात को इसमें हम समझ सकते हैं। खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, खुशहाल यानी सारी खुशियां उसके जीवन में हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन, सुख और शांति भी हो। असल खुशहाली का मतलब हम क्या जनरली समझते हैं कि पैसा खूब हो, चलो उसका पैसा ही समझ लो, पर साथ में सुख और शांति भी होनी चाहिए, केवल पैसे से काम नहीं चले। तीसरी पंक्ति क्या है, सब काम करे अपना, खुद पूरा करे अपना सपना, कोई हाथ यहां फैले, अब जन स्वावलंबी बन जाए। ये एक पूरा कि सब में इतना स्वाभिमान हो कि कोई हाथ नहीं फैलाया, किसी से मदद मांगना, किसी का हक छीनना, किसी का आगे हाथ फैलाना, अपने आप पर भरोसा नहीं रखना, मुफ्त में खाने की इच्छा रखना, ये जो चीजें समाप्त होना बहुत जरूरी। सब में इतना स्वाभिमान हो, सब में इतना विश्वास हो कि मैं कर सकता, तो ऐसी इच्छा और ऐसा उद्देश्य है इस आरसीएम का। चोरी फरेब का नाम ना हो कोई भी यहां बदनाम, यानी इतनी वैल्यूज तो हो, इतनी ईमानदारी तो हमें हो कि हम इस तरह के कामों के बारे में नहीं सोचे, ना कोई किसे गुमराह करे, सब सच्चे पक्के राही बने। जनरली धन कमाने के लिए एक दूसरों को गुमराह करने की प्रवृत्ति जो है आ जाती है कभी कभी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सब सच्चे पथ के राही बन गए। आतंक न हो अब जीवन में, सब प्रेम भाव रखे मन में। आतंक क्यों पैदा होता है, जब किसी के पास कोई सार्थक कार्य नहीं होता है, जीवन में सार्थक उद्देश्य नहीं होता है। जनरली आतंकी उनको नहीं बनाया जा सकता है जो जीवन में संपूर्ण हो, जिसके पास अच्छा काम हो, जिसके जीवन में वैल्यूज हो, जिसको खुद पर भरोसा हो, जिसके जीवन में सुख शांति हो, उसको आतंकी बनाना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा एक समाज बनाकर इस आतंक से भी हम छुटकारा पाएं, आपस में प्रेम रखें, हर कोई किसी के साथ चले हर संकट में,
सब हाथ मिले, कोई अकेलापन नहीं, हम सब एक, सब एक दूसरे को ऊपर उठाने के लिए काम करते हैं। हर संकट में सब एकता है, सबका सहयोग मिलता है, ना ऊंच नीच की बात करें, एक दूसरे का सम्मान करें, कोई छोटा नहीं हो, कोई बड़ा नहीं, सब आपस में एक जैसे, ना जात पात की दूरी हो, ना सीमा की मजबूरी हो। किसी तरह से जो टुकड़े टुकड़े करने के लिए हमें जो सिखा दिया जाता है, हमें बांटा जाता है अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए, कि तुम ऐसे, तुम ऐसे, तुम ऐसे, तुम्हारा ये इलाका, तुम्हारा ये इलाका, ये सब मन में पैदा किए गए भेद है, ये सब बिल्कुल समाप्त हो जाने चाहिए, हमें कोई जुदा ना कर पाए, सब भारतवासी कहलाए, एक भारत सब एक। यानी हम जब सोचे तो सब संपूर्णता के साथ सोचे कि हम सब एक है, मजबूर नहीं हम महान बने, भारत मां के इंसान बने, और लास्ट में हम अपने आप को लाचार, मजबूर, कमजोर ऐसा नहीं समझे, हम भी सब कुछ कर सकते, सब कुछ कर सकते, एक एक साथी में, एक एक इंसान में, भारत के हर बच्चे बच्चे में, हर नागरिक में ये आत्मविश्वास जागृत होना चाहिए कि हम मजबूर नहीं है, हम केवल अपना पेट भरने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम भी सबके लिए, समाज के लिए काम कर सकते हैं। तो मजबूर नहीं हम मान बने, भारत माँ के इंसान बने, पूर्ण होगी सबकी आशा, ये आरसीएम की अभिलाषा। ऐसा है आरसीएम का सपना, ये केवल शब्द नहीं है, और आरसीएम का पूरा डिजाइनिंग, पूरी रचना इसी उद्देश्य से हुई, पूरी किताबें, पूरी एजुकेशन, पूरी कविताएं, पूरे गीत, पूरी तैयारियां, इस मकसद हमेशा ये रूह में रहे, हमेशा ये सारी बातें और यही प्रेरित करती, और क्या ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए ना, और ये किया भी जा सकता है, ये प्रैक्टिकल है, क्योंकि भले हम बहुत पूरे देश का भी ऐसा नहीं कर पाए, लेकिन हम सैंपल के रूप में तो देख सकते हैं, अगर आज हम जितना हुआ है, भले हम थोड़ा सा भी हुआ है, पर जितना हुआ है उसमें हम सब अपना अपना काम भी कर रहे हैं, आत्मविश्वास भी आया है, बहुत सारे साथी जो अपने आप को मजबूर समझ रहे थे आज अपना एक अच्छा सा ड्रीम लेके काम कर रहे हैं, आपस में हम कभी कोई अलग अलग की कोई बात ही नहीं करते हैं, एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, तो एक सैंपल तो है ना, जब सैंपल सक्सेस हो गया तो अब इसको बड़ा करना चाहिए, तो सबको ये मन में ख्याल है, पेट तो देखो भर जाता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं, धन कमाना कोई बहुत बड़ी बात, और वो तो साधन इसके अंदर है संपूर्ण। अब सवाल जो आता है, ये एक बहुत जरूरी अहम सवाल है, क्या ये कोई बिजनेस या व्यापार है? जो अब तक जो बातें हम देख रहे थे उसमें तो ऐसा कोई दिख नहीं रहा था बिजनेस जैसा, व्यापार जैसा, या ये किसी और के जैसा है, कोई ऐसा कोई और है जैसे कि जिससे तुलना करेंगे हम, इसके जैसा इसके, तुमने आपको दोनों बातें बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये किसी के जैसा नहीं, कोई इसके जैसा है ही नहीं, ये अपने आप में अनूठा है, किसी के जैसा करने में सब गड़बड़ हो, किसी में ये व्यवस्थाएं है ही नहीं, किसी के ये मकसद है ही नहीं, कोई ऐसा सोचता ही नहीं है, कोई इतनी जहमत उठाना ही नहीं चाहता है, किसी को परवाह पड़ी नहीं है कि देश का क्या हो, समाज का क्या हो, औरों को क्या हो, किसी ने इतनी मजबूत तैयारियां की नहीं, इसलिए किसी और का जैसा है ही नहीं, मुझे तो नहीं नजर आता है,
मेरे ख्याल से आपको भी, क्योंकि अगर हम बोले कि ये कोई बड़ा व्यापार का नाम ले तो उस व्यापार में तो कोई कंपनी या कोई बड़ी हो रही होगी, पर आम आदमी को बड़ा बनाया जा सकता तो उधर से तुलना नहीं की जा सकती है। किसी बहुत बड़े धार्मिक जो संस्था है, जो डेफिनेटली बहुत अच्छी संस्थाएं होती है, उनके जैसा हम उदाहरण मिलाना चाहें तो उनमें जीविकोपार्जन या स्वावलंबन की पूरी व्यवस्था नहीं होती है। तो कुछ मैचिंग कहीं से कर नहीं पाएगी। ये अपने आप में अनूठी व्यवस्था है, ये संपूर्णता है, इसमें समग्रता है, इसमें समाधान भी है, इसमें ज्ञान भी है तो समाधान भी है, उनको पूरा करने के रास्ते भी है, और हम प्रैक्टिकल सब कुछ साथ में लेकर चलते भी। क्या ये कोई बिजनेस, क्योंकि हम बार बार बिजनेस शब्द का इस्तेमाल कर, मैं यहां ये कहना चाहता हूं स्वावलंबन की पूर्ति के लिए एक छोटा सा पार्ट इसमें डाला गया है कि हम अपनी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति बढ़िया से बहुत अच्छे से हम भी कर सकें और हम औरों की भी करवा सके, इसके लिए एक व्यवस्था इसमें शामिल की गई है। लेकिन ये अपने आप में व्यापार बिजनेस नहीं है, ये एक बहुत बड़ा अभियान है, ये एक स्वावलंबन की व्यवस्था है, ऐसा कह सकते हैं, वो भी इसका एक पार्ट है, पूरे अभियान का एक छोटा सा पार्ट है स्वावलंबन का, बहुत मजबूत पार्ट है, क्योंकि वो बहुत मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आधारशिला है। क्योंकि अगर हम अपना जीवन को इन आर्थिक आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर पाएंगे तो हम बाकी की चीजें पूरा करने लायक कैसे बनेंगे, इसके लिए वो एक व्यवस्था दी हुई है। लेकिन अगर हम इसको पूरे को बोले कि ये आरसी में एक बिजनेस है, मैं कहूंगा ये इसका गलत नाम है, बिल्कुल नहीं है, ये एक पूरा अभियान जो हमने अभी प्राण गीत के एक एक शब्द में देखे। चलो ये क्यों शामिल किया गया इसमें स्वावलंबन वाला पार्ट, ये भी मैं उद्देश्य आपको बता देता हूं। जनरली हो क्या रहा है कि इस अभियान में, इस बहुत महान अभियान में सभी लोग जो है ना इस केवल इस पार्ट को पकड़ लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं, जो एक बहुत बड़ी कमी मैं कहूंगा उस पर। ये शामिल किया गया है, इसके पीछे कुछ उद्देश्य है कि स्वाभिमान को जगा, ये तो मन से निकाले कि मैं अपना पेट नहीं भर सकता हूं, मैं अपना जीवन नहीं चला सकता हूं, मैं अपनी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता हूं, ये स्वाभिमान ही नहीं जागृत होगा तो हम बाकी नए भारत के निर्माण की बात क्या कर रहे हैं। इसके लिए बेसिक भाई, चलो इस चीज को हम अच्छे से इसमें बनाते हैं कि सबका स्वाभिमान हो कि नहीं मैं कर सकता, हर कोई कर सकता, सब में यह आना चाहिए कि मैं कर सकता, मैं अपना खुद का ही पेट नहीं भर सकता हूं, बल्कि मैं लाखों लोगों का जीवन बना सकता हूं, ये उद्देश्य के लिए इसमें यह शामिल किया गया। दूसरा, आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति का समाधान। निश्चित तौर पर जीवन जल चलाने के लिए आर्थिक आवश्यकताएं तो रहती है, सामान चाहिए वो चाहिए, इसमें कोई बुराई भी नहीं, मैं कोई इसका अगेंस्ट नहीं हूं, कोई विपरीत नहीं हूं, बिल्कुल होनी चाहिए, पर इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने का इसमें पूरा एक समाधान स्थापित किया गया। अगर हम ये इस पार्ट को हटा दें तो हम लाखों लोगों को एकत्रित कैसे करें, इसके लिए ये एक इसमें प्रॉपर उचित समाधान दिया गया है। और तीसरा है जागरूक नागरिकों का बड़ा संगठन बनाना ताकि देश हित के कार्य किए जा सके।
ये स्वावलंबन का माध्यम इसमें दे दे ताकि लोगों की दिमाग की ये चिंता समाप्त हो जाए और एक बहुत बड़ा संगठन बने और देश के जितने भी कार्य भी उन कार्यों को हम संभालें, जितनी भी समस्याएं हैं, तो एक बहुत बड़ा संगठन बने और पूरे जिम्मेदार नागरिकों का एक बड़ा संगठन बने, जागरूक नागरिकों का बड़ा संगठन, इसलिए स्वावलंबन इसमें शामिल किया गया। कोई गलत नहीं, कुछ भी गैर जरूरी नहीं, पर उद्देश्य ध्यान में रखें कि क्यों शामिल किया। केवल पैसा ही कमाना एकमात्र मकसद नहीं है, और इस उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए इसमें जो ध्यान में दी गई बातें हैं वो क्या क्या है। स्वास्थ्य रक्षा को मुख्य ध्यान में रखा गया कि हम जो भी उत्पाद बनाए, जो भी हम ज्ञान आपस में शेयर करें, वो इतना अच्छा हो कि हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सके, क्योंकि स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी समस्या है देश की, बहुत बड़ी चुनौती, बहुत ज्यादा बड़ी चुनौती बनती जा रही है। जिंदगी में कितनी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन स्वास्थ्य आकर सारी मेहनत को खराब कर रहा है और समस्या दिन रात विकराल होती जा रही। तो आरसीएम में पूरा फोकस है, पूरा ध्यान है, एक एक उत्पाद बनाते समय हम पूरा ख्याल रखते हैं, उत्पादों का चुनाव करते समय ख्याल रखते हैं। और आश्चर्य करने वाली बात है कि आज हम ऐसे ऐसे उत्पाद विकसित कर पाए हैं जो शायद दुनिया में किसी कंपनी ने ध्यान ही नहीं दिया उस चीज। ऐसे हमारे स्वास्थ्य वर्धक उत्पाद हम इसमें एक बड़ी श्रृंखला इसमें शामिल कर पाए हैं। दूसरा है उच्च गुणवत्ता उत्पाद वाजिब कीमत, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी वाले और बहुत ही रीजनेबल प्राइस, ये ताकि स्वावलंबन की हमारा जो प्रोसेस है इसमें किसी को कोई दिक्कत ना आए। अब ये सब क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे हो जाता है, ये अपने आप में एक नई घटना है, ये ऐतिहासिक घटना है। हम सबको ये जानने की जरूरत है कि एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है कि किसी ने इस तरीके से कार्य करते हुए, जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं, इतने बेहतरीन क्वालिटी उत्पाद इन रेट में कोई अरेंज ही नहीं कर पाया, कर ही नहीं पाए। और लोगों को जब हम ये बताते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आप कैसे मैनेज करते। मैंने कहा मैं मैनेज नहीं करता हूं, हमारा मकसद मैनेज करता है, क्योंकि हमें बड़ा कुछ करना, मैं राष्ट्र को संगठित करना। तीसरा, परस्पर सहयोग की भावना का विकास। तो ये जो प्रोसेस डेवलप किया गया है इसमें पूरा डिजाइनिंग ऐसा है कि हम एक दूसरे का मदद करें, सहयोग करें ना पूरा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो वो भी अपने आप इनबिल्ट है इसमें, आपको मजबूरन सबका सहयोग करना है, लेकिन मजबूरन करने से मजा नहीं आता है, दिल से करें तो बहुत ज्यादा उसमें मजा आता है। महिलाओं के लिए विशेष अवसर प्रदान किए गए कि वो आगे आए, आगे बढ़े, वो सब कुछ, उनको जगह मिले, रास्ते मिले, पहचान मिले। और पांचवा जो ध्यान दिया गया इस क्रिया में, मुख्य ध्यान दिया गया कि किसी का कोई नुकसान नहीं, किसी को कोई जोखिम नहीं लेने पड़े, कोई धन नहीं लगाना पड़े, कोई कहीं घाटा ना हो जाए, तो वो पूरा एक ध्यान दिया गया। तो सारी व्यवस्था कंपनी ने खड़ी की है, सब कुछ, किसी का कोई नुकसान हो जैसा कोई डिजाइन इस प्रक्रिया में रखा ही नहीं गया। तो ये मुख्य बातें ध्यान में रखते हुए पर आप समझ रहे होंगे कि स्वावलंबन का उद्देश्य क्या है, स्वावलंबन में क्या ध्यान दी गई बातें हैं, ये जरूर इसके अंदर है, शामिल है। ये सभी स्वावलंबी बने, सभी बहुत अच्छा धन कमाए अपने प्रयासों से, और सभी अच्छा धन कमाने वाले पैदा करें, ये जरूर आरसीएम चाहता है। लेकिन पुणे में सबको याद दिलाना चाहता हूं कि
कि आरसीएम केवल मात्र धन कमाने का जरिया नहीं है, आरसीएम एक व्यापार नहीं है, आरसीएम एक बिजनेस नहीं है, आरसीएम किसी भी के जैसा नहीं है। आरसीएम अपने आप में इस इतिहास में पहली बार ऐसी कोई घटना घटित हुई है जो इस देश के नव निर्माण के लिए आवश्यक सभी विषयों पर काम करना चाहता है। अगर हम चाहते हैं कि कुछ विषयों को नजरअंदाज करके नए भारत का निर्माण हो जाएगा, तो सॉरी टू से मैं आपको बिल्कुल याद दिलाना चाहता हूं, नहीं, हमें इस आरसीएम के रूप में जाना है, उसी अनुसार हम आपको अपने आप को ढालना है, उसी अनुसार दुनिया को इसका परिचय देना। अगर हमको आरसीएम को बिजनेस बोल रहे हैं तो मैं कहूंगा ये शब्द थोड़े से चेंज कर लीजिए। आप आरसीएम को केवल पैसा कमाने का जरिया समझ रहे हैं तो मैं कहूंगा कि आप थोड़ा से विचारों को भी चेंज कर लीजिए। ये खुशियां देने का, खुशियां लुटाने का एक जरिया है। पहले खुद में खुशियां शामिल करो और फिर खुशियां लुटाओ। ये सब में सोच लानी है, पूरा नए तरीके से सोचिए, अपने आप को अपग्रेड कीजिए और पूरे हिंदुस्तान को इसमें शामिल कीजिए। एक एक साथी को बताइए कि इसका मकसद ये है, अच्छे तरीके से बताइए, पूरे हिंदुस्तान को हम इसमें शामिल करें, सब मजेदार जिंदगी जिए, सबके जीवन में आनंद हो, आने वाले पीढ़ी के लिए अच्छी व्यवस्था हो, महिलाओं को सम्मान मिले, आपस में प्रेम हो, भाईचारा हो, ऐसा है ये आरसीएम।